यूपी का एक ऐसा खौफनाक गांव जहां भेड़ियों का आतंक ने पूरे गांव को जो कि दहशत में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, उसी के साथ ही पूरे आसपास के 35 गांव भी दहशत में चले गए हैं। जी हां दोस्तों, सिर्फ भेड़ियों के आतंक से। मैं आपको बता दूं, बहराइच में भेड़ियों का आतंक से अब तक शुरू हुआ पलायन, दो परिवार पंजाब भी शिफ्ट हो चुके हैं। बहराइच के सिकंदरापुर जो कि आप सभी को पता मक्कापुरवा गाँव में अब तक भेड़ियों ने 4 बार हमला कर चुका है। इस गाँव के एक नाबालिग की मौत भी हो गई, जिसके चलते गाँव में डर का माहौल बना है। इस गाँव के दो परिवार पंजाब भी पलायन हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बहराइच में पिछले कुछ दिनों से भेड़ियों का आतंक है। करीब 35 गांव के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 बच्चे सहित 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई टीमें भी लगी हुई, लेकिन अब तक भेड़ियों का आतंक कुछ इस कदर हो गया है कि लोग जो कि वहां से भागने को मजबूर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहराइच के सिकंदरापुर मक्कापुरवा गांव में अब तक भेड़ियों 4 बार हमला कर चुकी हैं। इस गांव के एक नाबालिग की मौत भी हो गई, जिसके चलते अब गांव में डर का माहौल। इस गांव के दो परिवार पंजाब पलायन कर चुके। अन्य लोगों का भी कहना है कि अब वह गांव छोड़ के जाने वाले हैं। इतना खौफनाक मंजर आप सोच सकते हैं कि भेड़ियों के आतंक से पूरा गांव दहशत में। मैं बता दूं, ये आदमखोर भेड़ियां अब तक जो कि 10 लोगों के मौत के घाट भी उतार चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो कि शामिल जो कि छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे रात को जब आधी रात को सब सो जाते हैं तो भेड़िया अपना झुंड बना के आते हैं और बच्चों को उठा ले जाता है। फिर किसी दिन के आसपास खेत के आसपास उनकी लाश पड़ी मिलती है। इसी खौफनाक मंजर को देखते हुए वहां के सभी गांव वाले जो कि दहशत में आ चुके हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंच चुका है और मैं आपको बता दूं यह मामला और उसी के साथ ही 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़े भी जा चुके हैं। उनमें से 2 भेड़ियों को लखनऊ चिड़ियाघर में भेजा गया, जबकि उनमें से एक भेड़िया का आकार बहुत ही बड़ा जो कि देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, सबसे पकड़े जाने वाले भेड़ियों में सबसे बड़ा भेड़िया का आकार जो कि जिसका था उसे लखनऊ चिड़ियाघर में भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि सबसे खतरनाक भेड़िया यही होगा। बाकी और भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए टीम अपनी दिन रात पूरी मेहनत कर रही है, ड्रोन से मेहनत कर रही है। बाकी प्रशासन उन सभी को भी जल्द ही पकड़ लेगी। बाकी यह बहुत ही दुखद की खबर है कि इस आदमखोर भेड़ियों की चपेट में 8-9-10 लोग जो कि आ गए, यह बहुत ही दुखद खबर है। बाकी ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।